नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। ब्लू फीड के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। पाकिस्तान ने बैसाखी के त्योहार पर 2200 सिख तीर्थयात्रियों का वीजा किया मंजूर। देखेंगे रिपोर्ट। पाकिस्तान उच्चायोग ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के 2200 सिखों को 12 से 21 अप्रैल के दौरान वार्षिक बैसाखी में हिस्सा लेने का वीजा जारी कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा वीजा जारी किए जाने को दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ये कदम बालाकोट हवाई हमले के बाद में पाकिस्तान द्वारा ली गई बदले की कार्यवाही के करीब 6 हफ्ते बाद आया है। धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भारत पाक प्रोटोकॉल के तहत हर साल भारत से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जाते हैं। इस तरह पाकिस्तानी श्रद्धालु भी भारत आते हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने घोषणा की कि सद्भावना के तौर पर इस महीने 360 भारतीय कैदियों को रिहा करेंगे, जिनमें ज्यादातर मछुआरे हैं। ये कैदी 4 अलग-अलग तारीखों पर छोड़े जाएंगे। पाकिस्तान के सेक्टर से मिलता है आलिया के कलंक का किरदार। देखेंगे रिपोर्ट। आलिया भट्ट ने इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कलंक को लेकर चर्चा में है। फिल्म को ट्रेलर और कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं और इसमें आलिया भट्ट के काम की काफ़ी तारीफ भी हो रही है। आलिया हाल ही में अपने लुक्स पर खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने इसकी तैयारी पाकिस्तानी टीवी शो जिंदगी गुलजार है देखकर की थी। आलिया भट्ट और जिंदगी गुलजार है की लीड एक्ट्रेस सनम सईद का लुक काफी मिलता जुलता सा नजर आता है। एक इंटरव्यू के दौरान आलिया ने कहा कि कलंक फिल्म के निर्देशक अभिषेक बर्मन ने उन्हें मुगले आजम और उमराव जान जैसी फिल्म और पाकिस्तानी टीवी शो जिंदगी गुलजार है देखने को कहा। एक इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट ने कहा, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और भाषा को सुधारने के लिए बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी क्योंकि मुझे फिल्म में उर्दू बोलनी थी। फिल्म में मेरा किरदार रूप का कुछ ऐसा ही लिखा गया है। ये किरदार हमेशा आपको खुश नजर नहीं आएगा। फिल्म कलंक की कहानी हिंदू मुस्लिम विवाद पर आधारित है। ये फिल्म करण जौहर के पिता यश जौहर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसमें ये पूरा नहीं हो पाया था। अब करण जौहर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। जिमना सामंता का एक इवेंट में दोनों घुटने टूटे, खेल से लिया संन्यास। देखेंगे रिपोर्ट। अमेरिका की जिमना सामंता सेरियो के एक इवेंट के दौरान दोनों घुटने टूट गए। इसके बाद 22 साल के खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी। अर्बन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सैम एक टूर्नामेंट के दौरान डबल फ्लिप करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान मैट से उनका पैर फिसल गया। उनके दोनों पैरों की सर्जरी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 18 साल से खेल से जुड़ी थी, इसलिए इस तरह कभी भी संन्यास का नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं अपने खेल करियर को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। वे वॉल्ट इवेंट में यूनिवर्सिटी के प्लेयर ऑफ द ईयर थी। Redmi Note 7 Pro की सेल आज पहली बार दिखेगा 6GB RAM वेरिएंट। देखेंगे रिपोर्ट। Redmi Note 7 Pro की सेल आज फिर आयोजित होगी। Redmi Note 7 Pro की ये सेल बेहद अहम है क्योंकि ये पहला मौका है जब 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आने वाला Redmi Note 7 Pro का 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सेल बुधवार दोपहर 12 बजे Mi.com और Flipkart पर होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट को Xiaomi द्वारा फरवरी महीने में Redmi Note 7 Pro के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मॉडल के साथ उतारा गया था, लेकिन यह अब तक कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। Xiaomi ने मंगलवार को Redmi Note 7 Pro के 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज की उपलब्धता की जानकारी दे दी है। इच्छुक ग्राहक बुधवार दोपहर 12 बजे होने वाले सेल में Redmi Note 7 Pro के वेरियंट को खरीद पाएंगे। गर्मी में घातक हो सकती हैं ये 5 बीमारियां, जाने इनके बचाव के तरीके। देखेंगे रिपोर्ट। गर्मी का मौसम आते ही कई बीमारियों को साथ लेकर आता है। कुछ बीमारियां तो सामान्य होती हैं जिनका इलाज आसानी से हो जाता है, जबकि कुछ बीमारियां गंभीर हो जाती हैं। अगर हम इन बीमारियों का सही समय पर इलाज ना करें तो ये घातक रूप ले लेती हैं। हम गर्मी में होने वाली ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जिससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये बीमारियाँ हैं खसरा। खसरा का रोग सांस के जरिए फैलता है, खासकर खसरा गर्मियों में फैलता है। खसरा होने पर शरीर पर लाल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और बुखार, खांसी, नाक बहना, आंखों का लाल होना जैसी दिक्कतें होती हैं। खसरे की सुरक्षा के शुरुआती तौर पर टीकाकरण शामिल है। टीका आमतौर पर बच्चों को दिया जाता है। पीलिया। गर्मी के मौसम में पीलिया होने का खतरा ज्यादा होता है। इसको हेपेटाइप ए भी कहा जाता है। पीलिया हो जाने पर दूषित खाना खाने से बचें। इसके साथ ही सिर्फ उबला हुआ या छना हुआ पानी ही पिए। टाइफाइड।
टाइफाइड की बीमारी गंदे पानी और खाने से होती है। गर्मी के मौसम में आते ही टाइफाइड होने लगता है। टाइफाइड से बचने के लिए टीकाकरण करना मुख्य विकल्प है। इसके अलावा खाने पीने के पदार्थों में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। चेचक, गर्मी की शुरुआत में चेचक का संक्रमण फैलता है। चेचक के होने पर शरीर में लाल दाग पड़ जाते हैं। इसके अलावा सिर दर्द, बुखार, गले में खराश इसकी शुरुआती लक्षण है। चेचक से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। घेंगा, थायराइड ग्लैंड के बढ़ जाने से घेंगा का रोग हो जाता है। गर्दन में सूजन आ जाना इसका पहला लक्षण होता है। घेंगा से निजात पाने के लिए दवाएं इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऑपरेशन करके थायराइड ग्लैंड को भी निकाल दिया जाता है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरी यानी अंजलि डोगरा के साथ। इतने व्यू फीड न्यूज़ बुलेटिन सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।